वेलकम बैक टू नोबिया गेमर एंड आराम टू नोबिया गेमर एंड देयर वी गो। सो देखो गाइस, ये पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ लेकिन आज हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर। अरे भाई के स्टाइल में फ्री फायर खेलेंगे। सो मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा बहुत सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन में दिखा देता हूँ आपको। आप FPS वाला मॉनिटर लग गया होगा अगर आपको दिख रहा होगा, मैं पहले से नोटिफिकेशन सब ऑफ कर रखा है ताकि आपको भी ईजी हो और मुझे भी थोड़ा ईजीली दिख सके। एंड थोड़ा बिटरेट कम है, आई डोंट नो क्यों, ये शायद फ़ोन का इशू है। उससे ज़्यादा बिटरेट मेरे दूसरे फ़ोन में आ रहा था, 2.5 GB का एक वीडियो बनता था और लिटरली इसमें 1.5 GB में लिटरली ये पूरा गेम हो गया है ख़त्म। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर आपका तो मेरे को नहीं पता। सो उधर भी गो। सो अभी देख सकते हो हम उतरने वाले हैं। इस जगह का नाम मेरे को भी नहीं मालूम लेकिन पता था मैं भूल चुका हूँ। तो हाँ, तारा भाई उतर चुका है, उतरते है। थोड़ा बहुत माल मिला है, थोड़ा लैग होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ, सॉरी। थोड़ा बहुत इधर टाइम पास तो नहीं होने वाला मेरे को लगता है, बंदे तो उतरते हैं और नॉर्मली तो उतरते हैं। एंड FF नाइफ ज़्यादा अच्छा था लेकिन मैंने M1883 जहाँ तक याद है वही नाम था इसका, वो नाम की गन ले लिया क्योंकि चलो क्रोजन मिली, क्रोजन M1 2B। अब स्नाइपर्स को यही चाहिए तो देखते हैं, अभी हम लोग कोई शॉर्ट गन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन ठीक है, ये गन भी बहुत अच्छी गन है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रोजन को। थोड़ी सर्दी खांसी फेक सर्दी खांसी, ठीक है टाइम पास हो गया। एंड देयर वी गो। सो इधर हम लोग को दिख सकता है जैसे कि किधर मेरे को अच्छी खासी चीज़ें नहीं मिली है। अब इधर मेरे को K98 मिल चुकी है तो मैं डबल स्नाइपर चलाएगा शायद से। हाफ गेम के बाद रियल पता चलेगा, मैं डबल स्नाइपर चलाऊंगा। डबल AWM भी मिल जाए तो मजा। AWM मेरे को नहीं मिल रही आजकल लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, मैं AWM बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, जिन्हें नहीं पता उनके लिए है था। एंड लेट्स गो गाइस, बंदे तो दिख नहीं रहे लेकिन पता नहीं होंगे इधर किधर ही। एंड एक मिल गया, मस्त शॉट लगा गाइस, लेकिन शॉट देखा आपने मस्त लगा था। अब ये लेट्स गो भाई, मस्त किल लगा। M1 2B का वे फेक डैमेज का इशू खत्म हो गया, बहुत अच्छा लगता है मुझे लिटरली। M1 2B का फेक डैमेज खत्म हो गया ना उसके बाद बहुत अच्छा लगता है। और स्नाइपर्स का ये लोग ने एंड करने की कोशिश की लेकिन अभी तक हुआ नहीं टोटली, जब तक मैं है तब तक स्नाइपर्स का एंड नहीं होगा, ज़्यादा घमंड अच्छा नहीं होता ये भी मैं जानता हूँ लेकिन ठीक है भाई, बोलने में क्या ही जाता है, अच्छी बात है। एंड अभी मैं थोड़ा फास्ट कर ठीक है, इधर उधर देख ही रहे हम लोग क्या ही होगा। एंड इधर पहले मैं Level 3 कार रैंक एक चढ़ाता हूँ और एक साइलेंसर ले लेता हूँ, काम आएगा। सी देखो भाई, साइलेंसर एक M1 2B जैसी गन में ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं इसलिए ये लेता हूँ क्योंकि मैं रफाइल जो भी उसका नाम है रफाइल में नहीं चलाता, इसलिए मैंने ले लिया, वरना अभी नहीं लेता, अभी टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। लेकिन मैं ये एबिलिटी जो है बहुत मेरे को पर्सनली पसंद है, और एक तो कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटी मेरे को पसंद तो है लेकिन ठीक ठाक ही। एंड इधर कोई तो बंदा है, इसको डैमेज तो पड़ा था, अभी पता नहीं किधर है। चिपकाने में बहुत मज़ा आता है इस गन से, चिपकाने में बहुत मज़ा आता है। किसी ने किल चोरी किया था या फिर कुछ तो चोरी किया था, फील आ रहा है। किल नहीं चोरी किया, सॉरी किल चोरी नहीं किया इसने किया था हमारा ईमान चोरी। किल चोरी तो भाई नॉर्मल होता है, नहीं मैंने किया था, सॉरी गाइस मैंने किल चोरी किया था, किल करे चोरी गाइस। एक बीच में कोई किल चोरी नाम का गाना भी आया था मेरे को, जाता क्या था। एंड गाइस कोई भी बैकग्राउंड में आवाज़ है उसको प्लीज़ गाइस अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अब बस बंदा दिख जाना चाहिए तो मैं कार के अंधाधुंध चला सकता हूँ। पहले मैं की एबिलिटी मेरे को बहुत काम में आती है, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ अपनी, जिसे नहीं आती उनके लिए अलग बात है, लेकिन जैसे जिनको आती है उनको बहुत काम में आती होगी। एंड लेट्स सी गाइस, थोड़ी बहुत क्वालिटी वीडियो में मेरे को लग रहा है कि डाउनलोड हुई है, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या इशू है। एंड बंदे ने मस्त चिपकाया है लेकिन मैं किसी से हारेगा नहीं, मैं इतना इजीली तो हारने से रहा, सीधी बात नो बकवास। अब मैं इसके लिए नेड़ वेड़ फेंकूँगा ये वाला, वो भाई क्या मारा है, लेकिन पर्सनली बता रहा हूँ बहुत गंदा चिपका है इसने। इनहेलर से मैं हील इजीली करा रहा लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा मेरे को। लेट्स गो गाइस, क्या मैं हेडशॉट ऐसे उसको ज़ूम करके मार दूँ, एक तो लगाया अच्छा खासा लगाया, 74 का एक और लगाया, नहीं अभी वॉल फोड़ के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, दो ही वॉल है वैसे भी, एक ग्लू वॉल जनरेटर एक लेवल तक ही वॉल बना सकते हैं ना। चलो इधर से हम लोग ये नेड़ फेंकते जो भी है, जाना तो चाहिए इसलिए, ये छोटा नेड़ रहता है जहाँ तक पता है मेरे को, एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन जाना चाहिए, हाँ जा रहा है।
लेट्स सी गाइस, डैमेज लगेगा नहीं लगा? किधर होगा बंदा? हाँ किधर होगा गाइस, बंदा किधर होगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से। एंड हाँ अभी मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इसके बाद रन बनाने वाला हूँ, ये वॉइस ओवर चलता है जैसे कि आपको पता ही होगा वीडियो में। इधर हो सकता है बंदा, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली, मैं भी भूल चुका हूँ इधर बंदा था या नहीं था, मेरे को याद नहीं है। लेट्स सी गाइस, मैं भी आपके साथ ऐसे अननोन की तरह खेलने वाला, ऐसा फील आने वाला है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेट्स सी, ऊपर रश रहेगा, रिस्क नहीं ले सकता मिनी यूजी के भरोसे खाली। एंड इधर कोई तो आगे ही बंदा है, ओ भाई बहुत गंदा पीटा, लेकिन हाँ ठीक है, अब वॉल इनफ नहीं है मेरे पास अभी। हाँ थोड़ा रिस्क है लेकिन ठीक है, रिस्क है तो इश्क है भाई, मज़ा तो आना चाहिए। एंड वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो ऐसा था कि मैंने वॉल बराबर नहीं लगाया। ये बहुत अच्छा है भाई रिलोड कर डालने का भाई उस टाइम में। एंड ऊपर बंदा नहीं है मेरे को लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है लेकिन रिस्क ना ही लूँ तो अच्छा है। अभी मैं इधर से खाली भागने वाला हूँ तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा क्योंकि आपके इधर टाइम पास है। नहीं नहीं रुको रुको, इधर कोई बंदा हो सकता है, मेरे को लगा था टाइम पास हो है, लेकिन भाई बाइक वाला बंदा दिख गया मेरे को एक। लेट्स गो गाइस, पार्टनर से हेड शॉट मारेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कार रैंक एक के नाम पर, चलो कार रैंक एक के नाम पर हेड शॉट, हेड शॉट क्या तगड़ा मारा। अब इधर से शायद टाइम पास हो सकता है लेकिन हाँ, सो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हल्का ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। सो करते हैं अभी फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि मैं इधर थोड़ा हीलिंग वीलिंग जो भी रहता है वो करवा रहा हूँ। सो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो गाइस फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं इधर फुल ऑन मतलब अपना मेनली देख रहा हूँ क्या हाल चल रहा है हमारा। एंड बंदे है ऐसा फील आ रहा है, बंदे तो है लेकिन मैं फाइट पिकअप नहीं करने वाला, मेरे को इतना पता है फाइट पिकअप नहीं करना चाहिए इधर सिचुएशन। वैसे भी पीछे से जोन आ चुका है एंड हाँ इशू खड़ा कर सकता है। तो पहले हम लोग बाइक से भागेंगे इधर से, एंड देयर वी गो गाइस, बाइक से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। एंड इधर बंदों की आवाज़ आई तो मैंने स्लो कर डाला है क्योंकि हाँ स्लो करना पड़ेगा भाई, इधर बंदे हैं। सो लेट्स गो गाइस, बूम बाम मचाने के लिए रेडी हूँ। एक हेड पड़ा इस बंदे को, इसको मैं टपका दूंगा, बंदे को अलर्ट भी दे दिए। और ये मैंने इधर इधर मेरे को कार 98 लेनी चाहिए थी, पता नहीं हाथ में कार 98 नहीं आई बल्कि ये आ गई, क्योंकि एक इशू क्रिएट हो सकता है लेकिन नहीं किया। एंड देयर वी गो, लेट्स सी क्या होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है इतना मैं कंफर्म बता सकता हूँ बस। एंड देयर वी गो गाइस, सब्सक्राइब हम टू भैया गेमर हम, और क्या ही बोलूँ। एंड लेट्स सी, सो इधर मेरे को बंदे ने मारा, बहुत गंदा मारा लेकिन बहुत गंदा मारा, पर लेकिन अब तो इतना अब एक और बंदा वहाँ पे थोड़ा आगे, मतलब वहाँ पे तो एग्जैक्टली नहीं है, ऊपर है थोड़ा आगे वही हुआ ऊपर। एंड भाई इसका नीड रखे थे मेरे को, एकदम टाइमिंग पे वॉल लगी थी, एक सिंगल मेरी जान हलक में आ गई थी, अच्छा उसका नेड़ जल्दी फूटा नहीं। एंड लेट्स सी गाइस, नेड़ फेंक कर दी फिर से, एक टक टक आवाज़ आया होगा तो सॉरी गाइस, ये ईयरफोन पता नहीं नीचे गिर गया लैपटॉप के ऊपर, मैं वॉइस ओवर लैपटॉप पे से कर रहा हूँ डायरेक्ट। एंड मेरे को जोन का डर लग रहा है, जोन इधर आ सकता है। एंड वैसे हीलिंग की चीज़ें तो है भाई, 15 मेडिकेट बहुत ज़्यादा इनफ होगी। मैंने M82 भी इसलिए निकाल दी क्योंकि मेरे को M82 भी जम नहीं रही थोड़ी, मेरे पास उसकी जो स्किन है वो मेरे को ज़्यादा जमती है, तू भी पर्सनल ये बता रहा था मैं। एंड ये बंदा मेरे को मार सकता है, बहुत गंदी स्थिति में हूँ मैं, नेड़ फेंक दूंगा तो थोड़ा उसको डर लगेगा। एंड चलो अब मेरे को कवर मिल चुका होगा हल्का भागने का, ओह फ्रंट से भी बंदे तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्की भागना पड़ेगा अभी। सो थोड़ा टेंशन वाला है लेकिन टेंशन क्यों लेता हूँ मैं। एंड बंदे को अच्छी खासी पड़ी है, मैं मर सकता हूँ मर सकता हूँ मर सकता हूँ मर सकता हूँ, थैंक्स टू भाई अपने के की एबिलिटी, वरना मैं अभी तक टपक चुका रहता। एंड गाइस ये बंदा मस्त लगा, ये वाला मस्त लगा भाई, गाइस बहुत मस्त लगा ये मेरे को, मतलब फील आया आवाज़ में, वो जो फील नॉर्मली नहीं आता बहुत अच्छे से फील आया, टप लग गया ख़त्म, बंदा नॉक था तो मेरे को भी नहीं पता था बंदा नॉक था, बीच में मैं एक सेकंड से रुक गया था और गेम अटक गया था मतलब पीसी में। तो अभी हम लोग को थोड़ा बहुत इधर से माल लूट लिया, सब्सक्राइब करा लो गाइस। एंड अच्छा खासा अभी हम लोग आगे आ चुके हैं, इधर जोन में लगभग मैं घुस चुका हूँ लेकिन हाँ मेरे को हील करना पड़ेगा, हीलिंग ज़रूरी है अभी। हाँ मैंने कौन से पेट की एबिलिटी रखी है मेरे को खुद को नहीं पता, जहाँ तक पता है शायद से ये पेंगुइन की रहनी चाहिए, नॉर्मली मैं पेंगुइन यूज़ करता हूँ ना इसलिए। इधर बंदा तो था लेकिन टपका दिया, सबको मैं टपका दूंगा, इतना ईजी है टपकाना क्या ही बोलो। मतलब फ्री फायर मेरे को इजी लग रहा है, शायद मैं गोल्ड पे हूँ इसलिए भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली इसलिए लेकिन लग रहा है। एंड देयर वी गो, इधर कोई बंदा है फायरिंग कर रहा है, उधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो एक नेड़ फेंक देता हूँ पहले। एंड देयर वी गो,
मेरे को थोड़ा रश मारना पड़ेगा, मशरूम अभी नहीं खाऊंगा, रिस्क नहीं लेना। बंदर सामने की साइड है, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। इन शॉर्ट सूर्य रश रश लेने जैसे मैं उसको दिखा तो दूंगा, लेकिन उसको नेड़ फेंकते रहूँगा उसके ऊपर, ये वाले तीन तीन का डैमेज तो पड़ जाता है। फटी पड़ी है एंड हेड शॉट, हेड शॉट गाइस, क्या मस्त लगा हेड शॉट लगा। एंड हाँ गाइस, चलो अभी हम लोग को जाना है एंड थोड़ा आगे जाएंगे। मेडिकेट अच्छी खासी तो है और बंदे आगे से अटैक मार रहे हैं, मेरे को उसका डर लग रहा है। उसके पास शीरो वाला भी अबिलिटी है और उसके पास ड्रैगनो भी है, तो ड्रैगनो तो वॉल्स आर पार मारता भी। डर तो है गाइस, रिस्क है, तो इसके फिर एक बार यही बोलूँगा और क्या ही बोलूँगा इस सिचुएशन में। इसके सिवा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, सो नथिंग एल्स। इधर से मैं भाग सकता हूँ, सो उसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश करूँगा। देख सकते हो आप जैसे कि ऊपर है वो बंदा, अब जिससे नहीं पता उनके लिए तो बता ही दूंगा। देखो ऊपर जो ब्लू कलर का नीला कलर का घर दिख रहा है, हाँ उधर जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उधर बंदा। ओ भाई मैं जोन में कहाँ कूद गया, जोन में कूद कहाँ गया बे। मैं चली जा सकता हूँ, मर सकता हूँ, मेरे को एचपी वाला एचपी टू ईपी करना पड़ेगा, मैं मर जाऊँगा लग रहा है। हाई रिस्क हाई रिटर्न शायद से ऐसा फील आ रहा है। वॉल लगा देता हूँ भाई, ये सुपर मेडिकेट एक ऐसी चीज़ है, बस यही तो चाहिए लाइफ में, और क्या, और कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में गाइस। ऐसा फील आता है मेरे को अभी तो। बंदा अंदर गया, मैंने देखा नहीं लगता है, मैं जब मेन गेम खेल रहा था तब मैंने लिटरली नहीं देखा था। मेरे को अभी जब मैं रिप्ले कर रहा हूँ तब मेरे को पता चल रहा है कि बंदा अंदर है। लिटरली मैं इतना डम्प गिरी किया था, मेरे को भी नहीं पता था। सो देखते अभी क्या होगा, इधर ही किधर है ना बंदा, मतलब अंदर ही गया है तो डरने का क्या है उसमें। मेरे को बाद में पता चला था कि बंदा किधर है, ये गाइस क्या ही कर सकते हैं। एंड आ चुका बंदा एंड रश किया उसके ऊपर एंड हेड शॉट गाइस, सब्सक्राइब करा लेने की बात है। सो गाइस क्या मस्त हेड शॉट लगा, लेट्स सी गाइस कितना रैंक प्लस होगा। एंड गोल्ड 4 पे जाने वाला मैं, सो गाइस बहुत तगड़ा प्लस तो हुआ एंड मेरा 100 पे भी प्लस हुआ है। सो आज के लेते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट, सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।